तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आपको तो कल के सारे मैटर के बारे में पता ही होगा, जिसके बाद कि नियो एंड अमर भी लाइव में रिप्लाई किए थे। एंड अभी हमें गॉडलाइक की साइड से परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे लेकर काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि टीम गॉडलाइक कोच पर फोकस नहीं किए थे। तो इस चीज का भी हम रिप्लाई करते हैं। एंड रिगार्डिंग गॉडलाइक क्वालिफिकेशन इन BGIS, इस पे नियो का क्या रिप्लाई होता है, वो सारी क्लिप आप देखिए। कोच इंटरनेशनल वगैरह फ्रेंकली पता था, हमने ट्राई भी किया था कोच के साथ, पूरा ये भी हुआ था, बातचीत हुआ, मीटिंग अटेंड हुए, बट नसीब बेस है ना भाई, वही कोच एडमिट होता है कुछ टाइम के लिए। आपको पता BMPS से बाहर हो गए, ऑब्वियसली भाई टीम बाहर होने के बाद कोच भी क्यों ही आएंगे ना इधर, कोई बाहर का कोच है जिसको हम ट्राई कर रहे थे, मंगोलियन कोच था, ये भी बताता हूँ। अभी CODM का कोच देखो, CODM भाई बेस्ट है भाई। अभी हमने क्या उनको नहीं बुलाया क्या? आपको एक लगता होगा CODM टीम को कोच दे सकते हैं बाहर का कोच, हम ब्राजील से अगर इंडिया में बुला सकते हैं, तो तुमको क्या लगता है BGMI के लिए कर नहीं सकते? क्योंकि सबको पता है कि इतना बड़ा फैन बेस है, इतना परफॉर्मेंस भी डाउन है, मतलब ये जो थिंकिंग है ना आपकी कोच वाली कि हमको नहीं लेना है, ये भाई ये गलत है। और प्लेयर्स के नाम मत लगाओ, जैसे एडमिनो पंक वगैरह जो भी होगा ऑफिशियली बता देंगे, प्लेयर्स के नाम मत लो ऐसे, ये आपको लग रहा होगा प्लेयर्स के नाम लेके प्लेयर्स आ जाएंगे, इतना इजी नहीं रहता है। एग्रेसिव एजाइल मिडफील्ड और सर ऐसे भी नहीं है ना गाइस, खेल तो कोई भी नहीं रहा अच्छा, तो एक अपोलो ही खेला अच्छा, तो एक बंदा लिख रहा है ऑर्क का नाम बदल दो, किसी ने काला जादू कर लिया है उसी ऑर्क में। गाइस CODM की टीम भी है जो वर्ल्ड्स में जाके हैशटैग 2 आई, जिन लोगों को लगता है बूट कैंप बनो दिए, उसी बूट कैंप में सबसे ज्यादा CODM की टीम रहती है। सो यस गाइस, ऐसा कुछ सीन था अभी का। एंड वैसे मैं भी इस मैटर के रिगार्डिंग तो पॉटर खुद ही रिप्लाई करेंगे, सो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।